हेलो बच्चा बड़ी, व्हाट्सअप। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग एज ऑलवेज। तो यार, वो बच्चा जो आखिरी वीडियो देख के आया, जहाँ वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमको 3 मॉड्यूल सीएस प्रोफेशनल के साथ में देने हैं, या हम 2 मॉड्यूल हैं, और अगर हम 2 मॉड्यूल हैं तो कौन से मॉड्यूल हैं। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं और आपने डिसीजन ले लिया है कि हमें तीनों ही मॉड्यूल साथ में देना है, तो आज अपन इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं कि अगर हम तीनों मॉड्यूल साथ में दे रहे हैं तो हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, अच्छा इससे पहले अपन शुरू करें, एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रोफेशनल में एंड का टाइम इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपकी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना जरूरी है। तो पहले दिन से एक ऐसी तैयारी, एक ऐसा चीज सोच के रखना कि हम टाइम से लेक्चर्स खत्म करेंगे, टाइम से एक रिवीजन कर लेंगे, ताकि एटलीस्ट हमें अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर का महीना प्रॉपर मिले सेल्फ स्टडी के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज वो 2 महीने क्रूशियल है ना। तो एज आई प्रॉमिस, लास्ट वीडियो में हमने आपको ये प्रॉमिस किया था कि आई थिंक कई सारे क्वेश्चंस अपने ऐसे होते हैं विच रिमेन्स अनआंसर्ड, एंड बेचारा बच्चा इतना कंफ्यूज जाता है कि हम यहाँ से ओपिनियन लें, यहाँ से ओपिनियन लें, इसकी सुने उसकी सुने, कैसे प्रिपरेशन शुरू करें। तो एज आई प्रॉमिस, आपके दिमाग का हर क्वेश्चन जो प्रॉबेबल आंसर हो सकता है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। तो आई थिंक एक मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो हर बच्चे का आ ही रहा था, मैम हमने तीनों ग्रुप देने का सोच लिया है, हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम तीनों ग्रुप देने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो अगर सोच लिया, देन डोंट टेक अ स्टेप बैक, नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, पर अगर हमें पहले दिन से कुछ बातें पता हो तो हमारी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे, है ना। हम एक टाइम से अपना सिलेबस खत्म कर पाएंगे, टाइम से अपने लेक्चर्स देख पाएंगे, और एक प्रॉपर टाइम दे पाएंगे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, टेस्ट के लिए, और कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए, जो डेफिनेटली हमको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ना। तो आई ऑलवेज से दिस, प्रोफेशनल अगर आपने पहले दिन से प्रॉपरली प्लान करा, स्ट्रेटजाइज करा, ऐसा आराम से पॉसिबल है कि आप अगले आने वाले अटेम्प्ट में तीनों के तीनों ग्रुप्स देके क्लियर करके जाओगे। ठीक है, प्रोवाइडेड यू प्लान इट वेल एंड स्ट्रेटजिकली कायदे से प्लानिंग करते हो। ठीक है, तो आज हम एक अपने हमारे दिमाग में जो हमें समझ में आता है वो प्लानिंग हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक दिस प्लान हैज ऑलवेज बीन इफेक्टिव, बट डेफिनेटली आप जैसे हम हमेशा बोलते हैं, सुनो सबकी, करो अपनी, राइट। आपके कुछ अपने खुद के फैक्टर्स होंगे, कंसिडरिंग दैट यू मेक अ प्लान, बट टू गाइड यू आई एम क्विकली टेलिंग यू कि किस तरीके से अपन लोग एक रीजनेबल टाइम तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, कायदे से खत्म कर सकते हैं, और ऐसा करके कि हमको एक प्रॉपर एंड एंड का टाइम मिल जाए सेल्फ स्टडी के लिए, राइट। जो भी अंडरस्टैंड अ प्लान कि हम एक टाइम से अपना सिलेबस खत्म कर लें, लेक्चर्स भी देख लें, उनकी रीडिंग भी हो जाए, और एक सफिशिएंट टाइम हमको मिल जाए सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, तो यार अगर आप प्रोफेशनल के तीनों मॉड्यूल साथ में देने वाले हो तो आप मस्ती नहीं, एक सेकंड कान खोल के यहाँ पे बात सुन लेना। ठीक है, हमने आपको हमेशा बोला है प्रोफेशनल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में सिंपल है, पर इतना भी सिंपल नहीं है कि ऐसे चुटकी बजाई और हो गया, है ना। यू हैव टू प्लान इट वेल, और वो प्लानिंग के लिए आज अपन लोग बात कर रहे हैं। तो यार अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट तरीका, ठीक है, बेस्ट तरीका प्रोफेशनल को प्लान आउट करने के लिए, क्योंकि 9 सब्जेक्ट्स है, एक तो चीज अपन ने समझ ली थी कि हम इनको इन 7 सब्जेक्ट की तैयारी अलग स्ट्रेटजी से करेंगे, और इन 2 सब्जेक्ट जो ओपन बुक सब्जेक्ट थे इनकी तैयारी थोड़ी अलग तरीके से करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था ओपन बुक सब्जेक्ट में, आप और कैसे खेल सकते हो, इसमें अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओपन बुक सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ कैन यू यूज इट टू स्कोर वेल इन एग्जाम। ठीक है, मॉड्यूल 3 का एग्रीगेट कैसे खींच सकते हो इस सब्जेक्ट से, इस पर भी अपन बात करेंगे। पर आज ये तो बातें अपन लोगों ने पहले कर ली थी। अच्छा, बेस्ट तरीका प्रिपेयर करने का है, भाई 9 सब्जेक्ट हैं, इनको 5 और 4 में डिवाइड कर लो। ठीक है, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी इज डिवाइडिंग दीज 9 सब्जेक्ट्स इन 5+4। मैम हम 4+5 क्यों नहीं कर रहे, हम पहले राउंड में 4 सब्जेक्ट, दूसरे राउंड में 5 सब्जेक्ट, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सेकेंड राउंड में बर्डन जितना कम हो पाए उतना कम रखना। ठीक है, आप जैसे भी प्लान करो, 5, 9, 4, 5 जैसे भी करो, जस्ट रिमेंबर सेकंड राउंड में आपका बर्डन कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि आपके ये 5 सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके होंगे और आपको ये 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर रिवाइज भी करना है, है ना। अदरवाइज क्या होता है, सी ऑब्वियसली जो सितंबर अक्टूबर नवंबर का टाइम होगा उसमें आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करोगे, पर ऐसा नहीं है कि आप इन सब्जेक्ट्स को एज इट इज छोड़ दोगे, है ना। धीरे 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 करके वी विल ट्राई टू फिट इन कि भाई ये भी हो जाए और एक एक सब्जेक्ट एटलीस्ट यहाँ पे रिवाइज होता जाए, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि हम कोई फॉरेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या हमने पढ़ा ही नहीं है, है ना। अपन सबके साथ ऐसा होता है, 3 हफ्ते बाद ही अपने को लगता है कि वो चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लग रहा कुछ आता ही नहीं है, है ना। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, कंसिडरिंग दैट आई एम सेइंग 5+4 अगर आप डिवाइड करो तो बस एक स्ट्रैटेजी याद रखना, जो भी हैवी सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा पहले उठा लेना। अगर ऐसा लग रहा हो कि सारे हैवी हो गए तो एक हैवी सब्जेक्ट इस वाले सेकंड राउंड के लिए रख लेना, ठीक है। बट ट्राई सेकंड राउंड में आपका बर्डन जितना कम से कम हो उतना कम रहे, ताकि इसको भी अपन साथ में प्लान आउट कर ले, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वापस बोल रहे, सबसे ज्यादा आर्ट्स वाले लेक्चर जो आई थिंक अपने होते हैं वो एथिक्स, टैक्स, है ना, मेजर है अपना टैक्स,
दूसरा है अपना एथिक्स. अच्छा, अब कुछ बच्चों को ओल्ड और न्यू सिलेबस का भी कंफ्यूजन है ना. आई थिंक लॉट ऑफ इश्यूज वर आंसर्ड, बट अपन उसके बारे में थोड़ा बात नहीं करते क्योंकि अननेसेसरी कंफ्यूजन अपन ने अपने दिमाग में पैदा किया है ना. तो इफ यू आस्क फॉर माई ओपिनियन, अपने को नहीं जाना चाहिए अभी नए सिलेबस पे, गिविंग टू रीजंस. पहला तो अभी तक सिलेबस भी नहीं आया है ना, इंस्टीट्यूट ने अभी तक आपको मॉड्यूल निकाल के भी नहीं दिया एंड वी हैव अज्यूम्ड कि कंटेंट आने वाला है, ठीक है. दूसरा भाई, पहला अटेम्प्ट इज ऑलवेज थोड़ा सा क्योटिक. अपने को नहीं पता पास्चर कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पेपर पैटर्न आएगा, एटलीस्ट यहाँ पे भी नो कि क्या पेपर पैटर्न आने वाला है. तीसरा, अपन 6 महीने अननेसेसरली एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो 6 महीने अगर आप वहां देने के लिए रेडी हो कि हम 6 महीने एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई बात नहीं है ना. और ये गारंटी भी नहीं है कि वो अटेम्प्ट अपना निकल ही जाएगा. लटक गया तो सीधा December 24 या आगे वाला अटेम्प्ट हो जाएगा. तो आई डोंट थिंक कि इतना रिस्की डिसीजन अपने को लेना चाहिए, बट आई थिंक अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो सोच के ले रहे होगे, तो टेक योर कॉल स्मार्टली, राइट. वो 6 महीना अगर आप वहां देने के लिए रेडी हो तो अभी अच्छे से पढ़ लो, तो दिसंबर में ही निकाल लोगे है ना, एंड फर्स्ट से आर्टिकलशिप शुरू कर दोगे, क्योंकि आई थिंक टाइम की कितनी अहमियत ही आपसे बेटर किसी को नहीं मालूम, राइट. कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो भाई टैक्स, एथिक्स, फंडिंग, आई थिंक. अच्छा, हम ये कभी नहीं बोलते कि चैप्टर्स या ये सब्जेक्ट्स टफ है, ठीक है. टफ कुछ भी नहीं होता, टफ अपन बनाते हैं. कुछ बच्चे को फंडिंग बहुत अच्छा लगता, किसी को भाई याद लगता, किसी को टैक्स बहुत अच्छा लगता, किसी को भाई याद लगता, किसी को डीडी बहुत अच्छा लगता, किसी को बहुत बोरिंग लगता, ठीक है. तो पर्सनली डिपेंड करता है, टोटली आपके ऊपर है. देन आता है CRI एंड देन आता है RCD, ठीक है. अब इनमें से मेरे अकॉर्डिंग जो मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, टैक्स, एथिक्स एंड फंडिंग, ये वास्ट है. CR भी बहुत इंटरेस्टिंग है पर थोड़ा सा लंबा होता है, तो आई थिंक मैनेजेबल है ना. ये उतना लंबा नहीं है कि आपको बहुत, जैसे टैक्स तो बहुत वास्ट है, एथिक्स बहुत वास्ट है, तो उतना नहीं है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, जब भी प्लान करो, एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट करना, और इसके साथ ड्राफ्टिंग हमेशा ऐड करके चलना, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट होना जरूरी है जिसमें आपको इंटरेस्ट बना रहे, जो आपका बहुत ज्यादा एनर्जी ना खींचे, जिसको करने में आपको बहुत मजा आए, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इनको पहले उठाना. अच्छा, अब क्या है भाई, देखो सबसे पहला जो 5 और 4 की स्ट्रेटजी है, व्हाट आई वुड हैव प्लान्ड वाज, हम सबसे पहले टैक्स से शुरू करते, फिर हम एथिक्स से शुरू करते, या फिर फंडिंग से करते, ठीक है. एब्सोल्युटली आपका कॉल है. हम एथिक्स या फंडिंग दोनों साथ में नहीं उठाते, उठा भी सकते हो ना, उठा भी सकते हो, फिर एक सब्जेक्ट कम कर देना. हम शायद नहीं उठाते, हम एथिक्स पहले पढ़ लेते, फंडिंग सेकंड राउंड में पढ़ लेते, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हैवी सब्जेक्ट नहीं है, है ना. तो योर कॉल. तो एथिक्स, टैक्स, एथिक्स उठा लिया. एज आई सेड, ड्राफ्टिंग हम यहाँ पे बिल्कुल उठाते क्योंकि काफी सारे ड्राफ्ट में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगती है, राइट. तो ड्राफ्ट की प्रैक्टिस करने के लिए नीड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम. तो मेरे हिसाब से अगर ये अभी ड्राफ्टिंग हो जाता है तो जब वो सेकंड वाला राउंड चल रहा होगा तब मैं ड्राफ्टिंग को और प्रैक्टिस कर पाऊंगी, है ना. तो ऐसे नहीं होगा कि मुझे ऊपर से उड़ गया. आई विल बी एबल टू प्रैक्टिस अ लॉट, विच इज वाई इट इज गोइंग टू हेल्प मी आउट. प्लस यहाँ पे ये बर्डन हमारा रिड्यूस कर देता है क्योंकि यहाँ पे वी इंजॉय, राइट. क्लास के बीच में या थोड़ा टाइम मिला लंच टाइम पे, अभी हम एक ड्राफ्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसको स्ट्रेटेजाइज प्रॉपरली किया जा सकता है, ठीक है. देन अच्छा, अब अगर अपने को ऐसा करना है कि हमको, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना मैम, हमारा पूरा एक ही ग्रुप टारगेट हुआ है ना, हमारा 2 नहीं हुआ, तो फिर आप एथिक्स बाद में करके फंडिंग पहले कर लेना, ताकि ग्रुप 3 का भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, एथिक्स आप सेकंड स्लॉट पे कर लेना. तो एनी विच वेज यू कैन स्विच, ठीक है. एथिक्स कर लो या फंडिंग कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है. फिर उठाना ग्रुप 2 का सब्जेक्ट. तो अपना एक यहाँ पे ग्रुप 1 का हो गया, एक ग्रुप 1 क्या हो गया, एक ग्रुप 3 का हो गया, ठीक है. अब ग्रुप 2 में से आप CRI उठा लेना, ठीक है, और RCD या DD में से कोई एक उठा लेना, ठीक है. RCD या DD में से कोई उठा लेना, तो ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट समाप्त हो गए, ठीक है. ये अपने 5 सब्जेक्ट समाप्त हो गए. पहले DD उठाओ, RCD उठाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों हम ही पढ़ाते, तो है मालूम है आप RCD उठाओ, DD उठाओ, आई हैव नो इश्यूज. दोनों में से कोई भी पहले उठा लेना, जो भी तुमको लग रहा है कि मैं साथ में मैनेज कर पाऊंगा, ठीक है. ये सोच के RCD मत उठाना कि नौ ही चैप्टर है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ये सोच के मत उठाना. कंटेंट उतना ही है, लेवल उतना ही है ना. तो जो आपको बेटर लग रहा हो दोनों में से आप उठा सकते हो. तो टैक्स पहले उठा लेना, टैक्स तो उठाना ही उठाना है क्योंकि ये आपका सेकंड राउंड तक भी चलने वाला है ना. तो सेकंड राउंड में भी आप टैक्स कंटिन्यूसली पढ़ी रहोगे बिकॉज इट इज दैट वास्ट, राइट. बाकी यू कैन स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंग टू यू. तो यार नेक्स्ट, या तो आप एथिक्स उठा लेना या फंडिंग उठा लेना, ठीक है. तो ये हो गया आपका पहला राउंड. दूसरे राउंड में अपन क्या करेंगे, अगर मान लो हमने यहाँ पे फंडिंग उठाया तो हम सेकंड राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है. सेकंड राउंड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हम एथिक्स उठा लेंगे, ठीक है. मान लो यहाँ पे हमने DD उठाया था तो यहाँ पे हम RCD उठा लेंगे, 2 हो गए, ठीक है. अब बच क्या रहा, बाकी 2 बच रहे हैं हमारे ओपन बुक सब्जेक्ट. इसमें से एक क्या है, MCS, और दूसरा क्या है, इलेक्टिव. इलेक्टिव आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सोच समझ के ही लिया होगा, है ना. जो भी इलेक्टिव आपने लिया है वो सोच समझ के ही लिया है. तो इनमें से अपना बर्डन देखो अब कितना कम हो गया, अपने 2 ओपन बुक सब्जेक्ट है. अच्छा,
ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट, ओपन बुक सब्जेक्ट में अपना बर्डन कम होता है ना, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा और दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता है, यहाँ याद कुछ नहीं करना क्योंकि बुक सामने होगी, तो एक वो कम्फर्ट जोन अपना है, उतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे, राइट। तो ये आपका एक लाइट स्लॉट हो गया, तो यहाँ पे आप आराम से एक तो टैक्स कंटिन्यू कर पाओगे क्योंकि ये होना ही है ना, तो एक आप यहाँ पे टैक्स कंटिन्यू कर पाओगे, और दूसरा अगर पहले राउंड का कोई सिलेबस या कोई भी टॉपिक रिवाइज करना हुआ तो आप रिवाइज कर पाओगे, है ना। तो आई थिंक हमेशा जब भी प्लानिंग करो दिस 5+4 की स्ट्रेटजी वर्क्स। व्हाई? इनिशियली 5 करने के बाद सेकंड राउंड में आपका बर्डन कम हो जाता है, तो जब ये बर्डन कम होता है तो यहाँ के सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके फिट इन कर सकते हो, राइट। एंड मेक अ टारगेट, तो मेक अ टारगेट मतलब पहले राउंड का एक टारगेट बना लो, ये आपका पहला राउंड एक टारगेट बना लो, लेट्स से 15 जून का आपने टारगेट बनाया या जून एंड का बना लिया, ठीक है, बिल्कुल आपके कन्वीनियंस है, बिल्कुल इसमें अपना कुछ भी नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस से एक टारगेट बनाओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, आप अगर अपने पूरे सिलेबस की बात करो तो मेरे हिसाब से एक अपना 15 सितंबर तक सब वाइंड अप हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बिल्कुल आप देखिए सितंबर एंड तक जा रहा, देखो जितनी प्यारी तरीके से वाइंड अप हो जाएगा उतना अपने को एंड में टाइम मिल जाता है ना। तो ट्राई कि 15 सितंबर तक अपने दोनों राउंड्स, 5 सब्जेक्ट वो और 4 सब्जेक्ट ये अपने रैप अप हो जाए, ठीक है। तो ये इस हिसाब से प्लान करना, आई थिंक दिस वर्क्स बेटर 5+4, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट तो शुरुआत के शुरू करो, इनमें से ही शुरू करना क्योंकि हैवी है, तो टैक्स तो मैंडेटरी शुरू करना ही करना है, ठीक है। बाकी के 4 जो आप शुरू करोगे बाद में, इनको खत्म करने के बाद पहले पर इनको प्रॉपरली खत्म कर देना, एंड देन गो बैक टू 4 सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो आप 4 करोगे इसमें आपके लिए थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा, आप आराम से इन सब्जेक्ट को भी फिट इन कर पाओगे, तो यू कैन प्लान इट वेल, ठीक है। कीप अ टारगेट कि ये दिन तक मुझे खत्म करना है, बड़ा बड़ा अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो कि ये दिन तक आई हैव टू वाइंड इट अप, ठीक है, मैं ये दिन तक समाप्त करूंगा या करूंगी, है ना, एंड कीप दैट एज योर टारगेट। वो होने के बाद तो आप देखो आपके पास कितना टाइम बच रहा, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर एक महीना हो गया, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर दो महीना हो गया, एंड 15 नवंबर से 15 दिसंबर स्ट्रेट 3 महीना आपको मिल जाता है आपकी खुद की प्रेपरेशन के लिए, जिस टाइम को आप बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज कर सकते हो इफ यू फुलफिल दिस टारगेट, राइट। तो हम ये पहले दिन पे आपको क्यों सिखा रहे, अगेन पहले दिन से थोड़ा सा डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये करा ना, अगर थोड़ा सा स्ट्रेटजाइज करके करा तो आप शायद मस्त मूवी वूवी देख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, सब साथ में कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट एकदम ऐसा सब हेक्टिक ले लिया तो इशू है, ठीक है। तो अपने पास एक 3 महीने का एंड में एक गैप मिल रहा है अपने को, वेर वी कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरी पूरी किताबें एक बार वापस पढ़ सकते हैं, है ना, रिविजन बुक्स वहाँ पर काम आ सकती है, और थोड़ा स्ट्रेटजाइज करके चीजों पे काम कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट वीक है उसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये 3 महीने का अच्छा ऑन एन एवरेज गैप हमको मिल जाता है, राइट। कंसीडरिंग दैट आई हैव सेड 5+4, बाकी बिल्कुल आपका कॉल है, जस्ट रिमेंबर जो हैवी सब्जेक्ट है ना उनको थोड़ा पहले कर लेना, कि अगर इनके लिए और टाइम भी लगा, मान लो ये नहीं हो पाया गिवन टाइम में और थोड़ा टाइम लग गया, तो हम उसको सेकंड स्लॉट में एक्सटेंड कर पाए, जैसे कि टैक्स, है ना, तो उसके हिसाब से मेकअप प्लान, ठीक है। बाकी इसके सिवाय कोई भी इशू होता है, अच्छा वन मोर कंसर्न दैट आई नीडेड टू एड्रेस, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं हम पहले सारे लेक्चर देख ले रहे हैं फिर हम उनको पढ़ लेंगे, बस ये गलती मत करना, ठीक है। हम 3 महीने में सारे लेक्चर्स निपटा ले रहे फिर हम उसको पढ़ लेंगे, ये मत करना। जब भी प्रिपेयर कर रहे हो रिमेंबर जो लेक्चर देख रहे वो लेक्चर का इमीडिएटली पढ़ लो या उस दिन पढ़ लो, क्यों, क्योंकि अगर आपने लेक्चर देख लिया 3 महीने में और बाकी 3 महीने में आप इन लेक्चर्स का पढ़ने वाले हो, तो बेटा आपने जो लेक्चर देखा वो पढ़ा तो है नहीं, तो आपको ये बुक उतनी अच्छी कभी समझ में नहीं आएगी। क्या होता है, जैसे ही टीचर ने कुछ समझाया आपको समझा, आपने फटाफट से उसको पढ़ लिया, वो चीज़ आपके दिमाग में पक्की हो गई, है ना, अब वो आपके दिमाग में पक्की हो गई, विद टीचर के जोक्स आपको वो बात याद रहेगी। वही चीज़ जब आप 2 दिन बाद भी पढ़ते हो तो भी आपको उतनी क्लैरिटी से नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो पहले लेक्चर जब देख रहे हो साइमल्टेनियसली पढ़ना है, बस ये एक बात प्लीज मान लेना, ठीक है। लेक्चर देखते देखते साइमल्टेनियसली पढ़ना है, आप उस दिन पढ़ो या मैक्स टू मैक्स अगले दिन पढ़ लो, पर इसको बाद के लिए मत रखना कि हम लेक्चर्स पहले देख ले रहे रीड हम बाद में कर लेंगे, ये गलती मत करना। धीमे धीमे करके शुरू करो बट स्टार्ट विद दिस, ठीक है। दूसरी टिप भाई, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है उनको पहले उठा लो, हैवी पहले उठा लो, लाइट एंड सब्जेक्ट बाद के लिए रखो, कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वी कैन एक्सटेंड आवर डेडलाइन, एंड आराम से अपन एक टारगेट रखना 15 सितंबर तक अपन खत्म कर ले, ठीक है। कीप इट एज अ टारगेट, 5-10 दिन आगे पीछे होता ही है तो पैनिक नहीं करना, ट्राई, ठीक है। पहले दिन से थोड़ा सा स्ट्रेटजाइज करके चला, मस्त प्रोफेशनल पेपर निकालोगे, और तुम देखना जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना आप आगे हमें बताओगे कि मैम दिस एक्चुअली वर्क एंड आई थिंक प्लानिंग वॉज द की, ठीक है। तो बस प्लान इट वेल, इट ऑलवेज हेल्प्स, राइट।
ऑब्वियसली आपके कुछ पर्सनल फैक्टर्स होंगे, कंसिडरिंग दैट यू कैन ऑलवेज चेंज द प्लान, दिस इज जस्ट टू गाइड यू. तो आप अपने हिसाब से सिर्फ एक प्लान बना लो, पेन डाउन कर लो, इमीजिएटली लेक्चर देख लिया मोटिवेट हो गए, है ना, तो भाई फटाफट से एक प्लान पेन डाउन कर लो, ट्राई टू फॉलो इट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज. ठीक है, होता है बढ़िया बात है, नहीं है तो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, जरूरी नहीं है आप जो प्लान बनाओ आपका ऐसा 3 महीने तक स्ट्रेट वही प्लान चलेगा, बीच में किसी की शादी आएगी, मम्मी की मासी आएंगी या आपकी कोई रिलेटिव्स आ गए, आपका मन हुआ कि 4 दिन छुट्टी ले लेता हूँ, अभी नहीं पढ़ने हो रहा, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, इनको पैनिक नहीं करना है, योर प्लान ऑलवेज कीप्स ऑन चेंज. हो सकता है मैंने सोचा था कि 4 चैप्टर मैं अगले 4 दिन में निपटा दूंगी, नहीं हो पाया, नहीं समझा, 8 दिन लग गए, राइट. तो कंसिडरिंग दैट ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर प्लान्स, कि अभी नहीं हो पाया तो चलो अब अगले 15 दिन कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो जो भी प्लान बनाओ सिर्फ 15 दिन उसको इंप्लीमेंट करके देखो, इफ यू आर एबल टू इंप्लीमेंट इट गुड इनफ, नहीं होता है तो नेक्स्ट 15 दिन के प्लान में उसको चेंज कर दो. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई पैनिक मत करना. ठीक है, तो आई होप दिस हेल्प्स यू आउट इन योर प्लानिंग, एंड इमीजिएटली इसके बाद एक प्लान बना के बस क्लियर कर लो कि ऐसे मुझे पढ़ना है. ठीक है, तो जो भी बेसिक कंफ्यूजन आपके दिमाग में था, आई हैव ट्राइड टू क्लियर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, फिर भी कुछ रह जाता है जो नहीं समझ रहा, जहां कंफ्यूजन है, बस कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि कंफ्यूजन से क्या हो रहा है ना, आपका दिमाग कंफ्यूजन में ऑक्यूपाइड है, 100% ऑक्यूपेंसी के साथ आप पढ़ाई कर नहीं पा रहे, है ना. तो आप उस चीज की टेंशन मत लो, अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है आप बताओ, आई विल सॉर्ट इट आउट. ठीक है, आप सिर्फ अपना 100% ध्यान ऑक्यूपेंसी सिर्फ पढ़ाई में रखो, तुम्हारे दिमाग का जो कंफ्यूजन है वो हमारी टेंशन है, हम आके समझा देंगे. ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 100% ऑक्यूपेंसी, पूरा दिमाग, पूरी एनर्जी और पूरा एकदम ऐसा जोश फोकस आपका आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए. ठीक है, सॉर्टेड है. सो विद दिस अपन मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में और आपके किसी कंफ्यूजन के आंसर के साथ. ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको अभी भी और कोई कंफ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू दिस और एनीथिंग एल्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. बाकी अपन मिलते रहेंगे, तो सी यू गाइज वेरी वेरी सून. इमीजिएटली एक पेपर पेन लेके प्लान बनाना अपना शुरू कर दो, सोच लो एटलीस्ट कि कैसे पढ़ना है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ठीक है, चलो तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू एंजॉय दिस जर्नी ऑफ सीएस प्रोफेशनल. ठीक है, बहुत जल्द अपन वापस मिलेंगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय. एकदम हंसते मुस्कुराते रहना, टेंशन अपने को कोई लेने. ठीक है, याद रखना फोकस एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पे, बाकी दिमाग इधर उधर की बातों में मत लगाओ. ठीक है, चलो आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.